जी जनाब, इस वक्त तैयार कर रहे हैं मटका पिज्जा। ये कबाब क्रस्ट पिज्जा हमारा तैयार हो रहा है। जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं निशान रफी, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल निशान रफी, और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे क्रिस्टल फ्राइज वालों के, आप मटका पिज्जा ट्राई करें और उनका और जो पिज्जा है, तो आपके कमेंट पढ़ के मैं आया हूँ आज यहाँ इनका पिज्जा ट्राई करने। पिज्जा ट्राई करते हैं, आपको बनता हुआ दिखाते हैं किस तरह इनका जायका है, क्या प्राइस है, सारा बता दें। वीडियो एंड तक लाजमी देखें। आए चले जी जनाब, इस वक्त तैयार कर रहे हैं मटका पिज्जा। सब करके क्या डाले? माशाल्लाह जी, थैंक यू। कुछ जबरदस्त। ये ओनियन, ओनियन शिमला, शिमला बराबर है। चलो ये हमारी क्या स्पेशल सॉस, इसके बाद लास्ट सॉस। इसके बाद जरा 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 मटके के अंदर ये गाइस चीज, ये रहा इनका ओवन। उफ़ बहुत हीट आ रही है अंदर से। टाइम अंदर रहेगा 20 मिनट लगेंगे। सब पिज्जे जो बनते हैं सबके सेम टाइम में 20 मिनट। ये कबाब क्रस्ट पिज्ज़ा हमारा तैयार हो रहा है। मीडियम पिज्जा हमारा रेडी है। और ये उस्ताद जी इनको आप काट रहे हैं, ये देखें। तैयार है माशाल्लाह। ये देखें आप खाते हैं दुआएं, ये देखें आप खाते हैं दुआएं, बहुत मुश्किल। आप ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं चीज। देख ली सॉस, जैसे मटके के आपने कमेंट किए हैं मटका है भी ऐसे। ये देख दोबारा
ठीक है, आप ये पिज्जा ट्राई करते हैं, आप बताते हैं। ये चीज अभी तक जा रही है। ठीक है ना, अगर आप खाते हैं तो आए हम ट्राई करके देखिए। चीज़ आपने खुद देखी थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे जायका तो देसी मक्खन का आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। और ये सही स्पेसी में आप खाते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन नेमत खान हर वीडियो में होते हैं। नेमत खान से पता करते हैं किस तरह पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी विजिट करें कैमर प्राइस पर, आज हम चेक करें कमेंट कर दीजिए। जी जनाब, ये रहे शॉप के ऑनर एमआर प्राइस, इनसे पता करते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। और मटका पिज़्ज़ा डेरे खान में सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया है, और आप दोबारा कौन सी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं वो भी हमें बता रहे हैं। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं सारे पिज़्ज़े की वैरायटी में? काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा हैं, स्पेशल पिज़्ज़ा होते हैं, ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा होते हैं, और एक हमने मटका पिज़्ज़ा निकाला है जो कि खाने किसी के पास नहीं है, तो वो है। और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ओरिजिनल वैसे हम बेसिकली कम करते हैं कराची से, तो टोटल रेसिपी जो है हमारा कराची की है, तो टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल दूसरे जो है। और अभी मटका पिज़्ज़ा काफ़ी लोगों को पसंद आया है, तो इसके बाद हम जो है ना फिर मटका प्राइस उसको कुछ लोग पिज़्ज़ा प्राइस भी कहते हैं, कुछ लोग मटका प्राइस भी कहते हैं। और बेसिकली जैसे होता है कि मटके के अंदर ही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ना प्राइस वगैरह चिकन वगैरह और चीज़ डाला के जैसे मटका है वैसे मटका प्राइस है। तो जब मटके के अंदर कोई चीज़ बनती है ना मट्टी के अंदर, तो उसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है और हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह जल्द लॉन्च करना है। और आपके शॉप की टाइमिंग क्या है, सुबह की और नाइट की? अच्छा, सुबह जो है हमारी 10 बजे ओपनिंग है और रात भी 12 बजे, रात 12 बजे के बाद रात 12 बजे के बाद पहले 2 बजे तक की थी लेकिन अब 12 बजे तक करती है। सर्दियों में? और आपको यहाँ कितने साल हो गए? हमें यहाँ पर तकरीबन काम करते हुए 4-5 साल हो गए। पहले हम 3 बजे तक छोटे बाजार के साथ होते थे, तो अब वहाँ से काम उतना एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें शुरू भी नहीं थी, बड़ी जगह चाहिए नहीं होती और सब हो गई। ये फिलहाल अभी हमें 1 साल हुआ है, बाकी हमारा लीड में भी आ रहा है। जी जनाब, ये रहा इनका मेन्यू। और इनके ऑनर से पता करते हैं कि होम डिलीवरी होती है इनके पास कि नहीं। जनाब, आपके पास होम डिलीवरी है कि नहीं? जी बिल्कुल है। OBC टाइम जो आपने टाइमिंग बताई है। उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।